नमस्कार दोस्तों, निर्माण आईएएस की पीटी स्पेशल सीरीज में आप सबका स्वागत है। इस सीरीज में हम उन महत्वपूर्ण इश्यूज को कवर करेंगे जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम कोशिश करेंगे कि आपके कम से कम 25 क्वेश्चन इस सीरीज से कवर हो जाएं। इसके लिए हम महत्वपूर्ण इश्यूज और वो पार्ट्स जहाँ से प्रीलिम्स में ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम इस सीरीज को अभी हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। इसमें पहला पार्ट हमने लोकेशन का रखा है। लोकेशन दो तरह से हमारे लिए मैप इम्पोर्टेंट है। एक है जो प्लेसेज इन न्यूज़ हैं, जो लगातार न्यूज़पेपर में आ रहे हैं उन स्थानों का नाम, और दूसरा जो मैप का वो महत्वपूर्ण पार्ट जो लगातार एग्जामिनेशन में पूछा जाता रहा है। जैसे आप सबको याद होगा कि कई बार ब्लैक सी पूछा जाता है, कई बार भूमध्य सागर पूछा गया है, अरल सी पूछा गया है, तो इन दोनों को हम कवर करेंगे। तो आज की सीरीज में हम शुरुआत करते हैं मध्य अमेरिका से। दोस्तों, मध्य अमेरिका में 7 देश हैं छोटे छोटे, ज़्यादातर इन पे ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन कर सकती है। पहला जो देश है बेलीज, ये देखिए बेलीज, ये छोटा सा देश है। दूसरा देश जो है ग्वाटेमाला, ये ग्वाटेमाला है। तीसरा अल सेल्वाडोर, ये अल सेल्वाडोर है। ये हंडुरास, ये जो बड़ा वाला पार्ट है ये हंडुरास है। ये निकारागुआ, ये देश निकारागुआ है। कोस्टारिका, ये देश कोस्टारिका है। और ये पनामा, ये देश पनामा है। पनामा का जो बॉर्डर है वो कोलंबिया से टच होता है। कोलंबिया दक्षिणी अमेरिकी देश है। बेलीज और ग्वाटेमाला का जो बॉर्डर है वो मेक्सिको से टच करता है। पनामा के बारे में दोस्तों आपको पता होगा, ये देश पनामा नहर के लिए प्रसिद्ध है जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कनेक्ट करती है। यह एक 82 किलोमीटर लंबी नहर है जिसको अभी पनामा देश नियंत्रित करता है। पहले इसका निर्माण फ्रांस ने शुरू किया था, लेकिन बाद में कुछ इंजीनियरिंग खामी आई, उसकी वजह से यूएसए ने इसका निर्माण किया था। तो इनको आप इसी सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। याद करने की ऊपर से नीचे की एक ट्रिक है कि ब्यूटीफुल गर्ल एलिजाबेथ हैज नॉट कम टू पार्टी। तो बी से बेलीज, गर्ल से ग्वाटेमाला, एलिजाबेथ एल सेल्वाडोर, हैज से हंडुरास, नॉट से निकारागुआ, कम से कोस्टारिका और पी से पनामा। इस तरह से आप उनको नॉर्थ से साउथ में याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं दोस्तों। हमारे मैप के जो प्लेसेस इन न्यूज़ हैं, जो लगातार मीडिया में चर्चा में रहे हैं, ऐसे स्थानों को यूपीएससी अक्सर पूछता रहता है। जैसे कभी स्वात घाटी पूछता है, कई सारे इस तरह के प्लेसेज हैं जिनके बारे में लगातार पूछता रहता है। तो एक स्थान है दोस्तों टोब्रुक। ये टोब्रुक शहर है लीबिया का। लीबिया आप अफ्रीका के मैप में देखिए, ये भूमध्य सागर है और यहाँ पे ये लीबिया है। 2011 में जो चमेली क्रांति हुई थी उसके बाद से लीबिया में अव्यवस्था, राजनीतिक अव्यवस्था शुरू है। तो यहाँ पे सत्ता के दो केंद्र बन गए हैं। एक अगर आप ध्यान से देखेंगे ये त्रिपोली है, और दूसरा यहाँ पे एक शहर है जिसका नाम है टोब्रुक। 2011 तक जो लीबिया की सेना के जनरल थे उन्होंने टोब्रुक पे अपनी सेना के दो पार्ट हो गए, और उन्होंने सेना के आधे पार्ट के साथ टोब्रुक शहर पे कब्जा कर लिया। और वर्तमान में इतना जो लीबिया है ये उनके कब्जे में है। ये देखिए, इसमें ये लीबिया का मैप है। यहाँ पे ये टोब्रुक शहर है और यहाँ पे ये त्रिपोली है। त्रिपोली में जो अभी सरकार चल रही है, नेशनल सेलरेशन गवर्नमेंट NSG की, इसको UN और अन्य देश जो हैं उनका समर्थन है। और यहाँ से जो सरकार चल रही है जनरल नेशनल कांग्रेस की, इसके पास ये जो लीबिया का पार्ट है ये GNC के अधीन है वर्तमान में। तो इसलिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि टोब्रुक शहर जो है वो कौन से देश का पार्ट है और क्यों ये चर्चा में है। दूसरा जो क्षेत्र है जो हाल ही में चर्चा में है वो है अबकेक। अबकेक सऊदी अरब का पार्ट है और ये तेल संसाधनों से परिपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पे हाल ही में ड्रोन से तेल संयंत्रों पर हमला किया गया, इसीलिए ये स्थान चर्चा में रहा है। ये आप मैप में देख सकते हैं, ये स्थान अबकेक है। ये बहरीन है, ये कतर है, इसका लोकेशन आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। इधर ये UAE है, ये कुवैत है, ये सऊदी अरब के पूर्वी भाग में स्थित क्षेत्र है। हाल ही में दोस्तों इंटरनेशनल मीडिया में और हमारे देश की मीडिया में मुजफ्फराबाद काफ़ी चर्चा में रहा था, क्योंकि धारा अनुच्छेद 370 हटाने के बाद हाल ही में मुजफ्फराबाद में लोगों ने मुजफ्फराबाद से लेके और जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ तक उन्होंने पैदल मार्च करने का प्लान किया था। फिर इमरान खान के अपील के बाद वो मार्च जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ तक नहीं आया था, उससे पहले ही रुक गया था। इसके लिए मुजफ्फराबाद जो है वो कंट्रोल में था। दोस्तों अगर हम देखेंगे पीओके जिसको हम बोलते हैं, उसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट गिलगित बाल्टिस्तान है और दूसरा पार्ट जो है वो पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसकी राजधानी है मुजफ्फराबाद, जो यहाँ यहाँ पे स्थित है।
गिलगिट जो है वो गिलगिट बाल्टिस्तान की राजधानी है, ये यहाँ पे है। इस मैप को दोस्तों ध्यान से देख लीजिएगा, ये जो पार्ट है ये पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया था। ये अक्साई चीन है जो 1962 में इंडो चाइना वार हुआ उसके बाद से ये चीन के नियंत्रण में है। इस सीरीज का दूसरा पार्ट दोस्तों पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित है। इसमें हमने नेशनल पार्क को कवर करने से शुरुआत की है। तो हमारा पहला जो नेशनल पार्क है वो नामदफा नेशनल पार्क है, जैसा आप देख सकते हैं ये यहाँ पे है, म्यांमार की सीमा के पास है, म्यांमार और चाइना दोनों की सीमा के पास ये स्थित है। जब भी आप लोकेशन में देखें तो मेजर रिवर है उससे इसकी स्थिति जरूर देख लीजिएगा। ये ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी इसके अंदर से नहीं गुजरती है, ये ब्रह्मपुत्र से पूरी तरह से दक्षिण में स्थित है। ये मिसमी और पटकाई हिल्स इन दोनों के बीच में स्थित है। यहाँ से जो नदी गुजरती है वो नाओ दिहिंग नदी है, ये नाम देख लीजिएगा। यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है उष्ण कटिबंध से लेके शीतोष्ण सभी प्रकार की वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है। ये सवाल यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ चुकी है। ये जो नॉर्थ ईस्ट हिमालय है हॉटस्पॉट उसका पार्ट है। यहाँ पे मुख्यतया जो ध्यान देने वाली जो फ्लोरा एंड फौना है उनमें मुख्य है नामदफा उड़न गिलहरी जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है IUCN की रेड लिस्ट में, बंगाल टाइगर, ध्रुवीय भालू, रेड पांडा, तेंदुआ, इंडियन सीवेट और एक कोहिनूर नाम की यहाँ पे तितली पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है, इसका नाम आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसी राष्ट्रीय पार्क में तीन जनजातियां पाई जाती हैं, उनका नाम आप देख लीजिएगा, चकमा, तांगसा और सिंगपो। दोस्तों जो जनजातियां होती हैं वो एक क्षेत्र में ना पाई जाकर कई राज्यों में, उस क्षेत्र के कई राज्यों में पाई जा सकती हैं। जैसे ये चकमा, तांगसा, सिंगपो है, ये अरुणाचल में भी पाई जा सकती हैं, नागालैंड में भी हैं, असम में भी कुछ पाया जा सकता है, तो एरिया वाइज होती हैं। अगर आप थोड़ा सा इनका नाम ध्यान में रखेंगे तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपको आसानी रहेगी। नेक्स्ट हमारा जो नेशनल पार्क है वो है मोलिंग नेशनल पार्क। ये जो आप देख रहे हैं ये रेड कलर में, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये जो पार्ट है ये मोलिंग नेशनल पार्क है, मतलब ये चाइना के बॉर्डर पे है। सियांग नदी इसके पास से गुजरती है, ये आप ध्यान रखिएगा। ध्रुवीय भालू यहाँ पाए जाते हैं, बंगाल टाइगर, रेड पांडा, गोल्डन लंगूर, हॉर्नबिल, सेरो, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ खास बात दोस्तों ये है, दिहांग दिबांग जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसका ये मोलिंग नेशनल पार्क है वो पार्ट है, और ये झूम कृषि से प्रभावित है। झूम कृषि दोस्तों कृषि की वो प्रणाली है जिसमें वनों को आग लगाकर वन भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित किया जाता है, और ये पारिस्थितिकी की दृष्टि से बहुत ही हानिकारक है। तो सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है कि झूम कृषि है उसको मिनिमम किया जाए। इसी सीरीज का जो नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों वो इंडेक्स और रिपोर्ट का है, क्योंकि यूपीएससी हर बार एक या दो इंडेक्स जरूर पूछता है या रिपोर्ट। इस बार जैसे आया था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इस बार उन्होंने 2019 के जो प्रीलिम्स था उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन जारी करता है और उसके क्या कंपोनेंट है वो पूछा गया था। इसी तरह से यूपीएससी हर बार पूछता रहता है। तो आज हम कवर करते हैं SEQI, विद्यालय शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक। ये दोस्तों नीति आयोग जारी करता है MHRD और वर्ल्ड बैंक की सहायता से। ये 30 सूचकांकों पर आधारित है और इसमें 965 अंक होते हैं जो कि दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, आउटकम और गवर्नेंस। आउटकम में चार पार्ट होते हैं, लर्निंग की बच्चों की सीखने की जो कैपेसिटी है, सिखाने की जो क्षमता है वो कितनी है, अवसंरचना किस तरह की है, पहुंच किस तरह की है और सुविधाएं किस तरह की है, और कुछ जो अंक होते हैं वो गवर्नेंस के हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके। जो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था है उसकी गुणवत्ता बहुत खराब है, तो एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में तुलना की जा सके। जैसे इस बार का जो SEQI इंडेक्स आया है उसमें केरल ने टॉप किया है और यूपी उसमें बॉटम पे है, ये आप ध्यान रखिएगा। इन दोनों का स्कोर जरूर आप चेक कर लीजिएगा कि दोनों का स्कोर क्या क्या है। दूसरा, प्रतिस्पर्धी संघवाद, ताकि राज्य एक दूसरे की इंडेक्स जानकर और स्वयं को कंपेयर करके और अच्छा करने का प्रयास कर सकें। ये दोस्तों इंडेक्स है, इसमें ये आउटकम और ये गवर्नेंस प्रोसेस। तो आउटकम में सबसे ज़्यादा जो लर्निंग आउटकम एंड क्वालिटी है उसके मार्क्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं दोस्तों। उसका जो वेटेज है ये सबसे ज़्यादा है, टोटल वेट वो 360 है, गवर्नेंस का 280 है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, कई बार यूपीएससी पूछ लेता है कि SEQI में सर्वाधिक जो वेटेज है वो एक्सेस आउटकम का है। तो इस तरह की चीज़ों को हमें जो सबसे ज़्यादा है वो हमें एटलीस्ट ध्यान में रखना है कि सबसे ज़्यादा जो है वो आउटकम में लर्निंग आउटकम को वेटेज सबसे ज़्यादा दिया गया है। ये यहाँ पे आप देखेंगे 30 सूचकांक हैं और 965 टोटल वेटेज जो है वो 965 है, इसमें से अंक दिए जाते हैं 965 में और उसके आधार पर रैंकिंग दी जाती है। हमारी अगली रिपोर्ट है दोस्तों, इंडेक्स है MPI, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स। ये 2017 के लिए रिलीज की गई है, अभी 2019 में ये रिलीज हुई है।
दोस्तों ये यूएनडीपी और ओपीएचआई जो ऑक्सफोर्ड का एक संस्थान है उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। इस बार ये 105 देशों के लिए जारी किया गया है। 0 से 1 के बीच में इसमें स्कोर दिया जाता है। 0 का मतलब सबसे खराब और 1 का मतलब सबसे अच्छा। इस रिपोर्ट की कुछ खास बातें सामने आई हैं दोस्तों, जो कि 1.3 अरब लोग जो हैं वो दुनिया में गरीब हैं और उनमें से आधे जो गरीब हैं वो 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो गरीबी की चपेट में हैं। इस रिपोर्ट में भारत और कोलंबिया को अप्रिशिएट किया गया है कि इन दोनों ने गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। भारत का स्कोर जो एमपीआई में इस साल के में है वो 0.123 है। एमपीआई के अनुसार भारत की जो गरीब जनसंख्या है वो 19.3% है। ये एमपीआई इंडेक्स जो है वो किस आधार पे तैयार किया जाता है, उसमें 3 कंपोनेंट हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन का स्तर। ये 3 आपको एटलीस्ट ध्यान में रखने हैं। स्वास्थ्य में पोषण और बाल मृत्यु दर को कवर किया जाता है। शिक्षा में स्कूली शिक्षा में एक बालक कितने वर्ष बिताता है और उपस्थिति कितनी है। जीवन स्तर में जो पकाने का ईंधन है, स्वच्छता, जल, विद्युत, घर और संपत्ति, इन 6 कंपोनेंट को रखा गया है। इन तीनों का जो वेटेज है इसमें ये इक्वल है, 1/3, 1/3। सीरीज का जो अगला पार्ट है दोस्तों वो संस्थानों का है। हम देश के और विदेश के महत्वपूर्ण जो संस्थान हैं उनको इसमें कवर करेंगे। हर बार यूपीएससी संस्थानों से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछता रहता है। जैसे 2018 में FSSAI के बारे में पूछा था, तो आज जो हमारा संस्थान है CDCSO सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के DG स्वास्थ्य सेवा इसके अधीन है। CDCSO के जो चेयरमैन हैं वो DCGI होते हैं, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। यह एक नियामकीय निकाय है जो कि हमारे देश में औषधि से संबंधित जितना भी नियमन होता है वो CDCSO का कार्य है। क्या क्या कार्य करता है ये? दवा और चिकित्सा उपकरण जितने भी हैं उनकी कीमतों का नियमन, उनके उपयोग का नियमन, क्लिनिकल ट्रायल स्वीकृति देते हैं। जैसे हाल ही में क्लिनिकल ट्रायल के लिए नए रूल्स आए हैं कि हमारे यहाँ 90 दिन में स्वीकृति दे दी जाएगी, कुछ के लिए 30 दिन में स्वीकृति है। कुछ ड्रग्स हैं जिनके अगर EU में, USA में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में अगर वो काम में लिए जा रहे हैं तो इसकी यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल करने की जरूरत नहीं है। आयात अगर कोई भी ड्रग हो रहा है तो CDCSO से पहले अप्रूवल लेना पड़ता है। नया ड्रग्स, औषधि, कोई भी अप्रूवल है तो वो CDCSO देगा। ड्रग्स की जो गुणवत्ता है उसके बारे में निर्धारण भी CDCSO करेगा। तो ये स्वास्थ्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण संस्थान है, तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए। ये दोनों DCGI जो है और CDCSO, ये दोनों ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है 1940 का, उसको ये दोनों लागू करते हैं। दूसरा जो संस्थान है दोस्तों वो DTAB है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का DG स्वास्थ्य सेवा जो है उसके अधीन CDCSO है। CDCSO के अधीन 2 संगठन है, पहला DTAB और दूसरा DCC, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। DTAB जो है वो एक टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है। ये CDCSO को तकनीकी सलाह देता है, ये सिर्फ सलाहकारी निकाय है। और DCC जो है वो भी औषधियों पे सलाह देता है। DTAB के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत स्थापित किया गया है, तो यह एक वैधानिक निकाय है। UPSC इस तरह का स्टेटमेंट लगातार देती रहती है कि यह वैधानिक निकाय है, यह सोसाइटी है, यह कार्यपालिका के प्रस्ताव से गठित है, तो यह वैधानिक निकाय है। इसका कार्य क्या है कि औषधि, दवाएं आदि पर यह तकनीकी सलाह देता है। थोड़े दिन पहले हाल ही में जो CT स्कैन डिवाइस हैं, MRI डिवाइस हैं, इनको 1 अप्रैल 2020 से ड्रग्स की श्रेणी में रखा जाएगा। अब दोस्तों ड्रग्स की श्रेणी में रखने का फायदा यह है कि उसके बाद में इन मशीनों की कीमतें जो है वो CDCSO निर्धारित कर सकता है। हमारी इस सीरीज का चौथा जो पार्ट है वो प्रोग्राम और पॉलिसी को लेकर है। तो आज हमने एक पॉलिसी कवर की है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 MeitY मंत्रालय के द्वारा ये तैयार की गई है। इसका उद्देश्य क्या है कि भारत को ESDM का वैश्विक केंद्र बनाना, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर। ये पूर्ण नीति नहीं है, पूर्व नीति है। इससे पहले 2012 में हमारे यहाँ राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति थी, उसके स्थान पे अभी ये राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 लाई गई है। इसके 2 लक्ष्य हैं कि ESDM क्षेत्र का जो टर्नओवर है वो $400 बिलियन 2025 तक करना और 2025 तक कम से कम 1 अरब मोबाइल का उत्पादन करना, ये दोनों इसके टारगेट हैं। वर्तमान में हमारा जो ESDM क्षेत्र का टर्नओवर है वो $80 बिलियन के आसपास है। दूसरा चीज, इसकी हमें जरूरत क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के हम 80% से ज्यादा जो पार्ट्स हैं या फिर
तैयार उत्पाद हैं वो हम आयात करते हैं, तो किसी भी देश के लिए इतनी आयात निर्भरता अच्छी नहीं है, इसलिए ये पॉलिसी लाई गई है। इस पॉलिसी में मुख्य प्रावधान क्या क्या है कि हमारे यहाँ जो ESDM क्षेत्र है उसको वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाना, ना केवल हमारी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करना बल्कि विदेशों में भी निर्यात करना। मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं, जैसे कि चाइना में कई सारे शेंजेन क्षेत्र है, इस तरह के कई क्षेत्र हैं, उस तरह के क्षेत्रों का यहाँ पे भी विकास करना। नई यूनिट की अगर स्थापना होती है तो उसके लिए विशेष प्रोत्साहन देने की बात नीति में की गई है। इस नीति में कुछ नई तकनीकियाँ हैं उन पे जोर दिया गया है, जैसे 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ड्रोन, रोबोटिक्स, फोनोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सब पर शोध अनुसंधान और नवाचार जो होगा उस पर जोर दिया गया है। इस आधारित उत्पाद बनाने पर जोर दिया गया है, साथ ही कौशल विकास और कौशल को अद्यतन करने पर भी जोर दिया गया है कि स्किल को अपग्रेड भी किया जाए। चिप डिजाइन, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, स्वचालित संयंत्र विकास, रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, इन पर भी जोर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हेतु एक सॉवरेन पेटेंट फंड की स्थापना की गई है। इस फंड से IPR हेतु जो भी नए प्रोजेक्ट्स या नई यूनिट स्थापित की जाएंगी उनकी सहायता की जाएगी। और हमारे देश में एक विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की वैल्यू चेन, इस तरह की वैल्यू चेन का डेवलपमेंट किया जाएगा जो कि साइबर सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित हो, क्योंकि हमारे जो उपकरण जब हम विदेशों से आयात करते हैं तो उनकी कोई गारंटी नहीं होती है कि वो साइबर दृष्टिकोण से कितने सुरक्षित हैं। तो ये मुख्य प्रावधान थे, आपको इन प्रावधानों को ध्यान से देख लेना चाहिए। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हमारी जो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 है क्या हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है, समीक्षा करें, तो आपको इनमें से कुछ पॉइंट उसमें डालने होंगे। दोस्तों आज के इस प्रीलिम्स विशेष सीरीज में इतना ही है, आप सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद।